जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मध्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं अर्जुन सर्वाणि कर्माणि ये तो सर्वाणि समस्त कर्म जीवन जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत जीवन सकाळ पाहिबा ठारु पुणी संध्या रे सोइबा पर्यंत जीवन शैशव किशोर तरुण प्रौढ़ वार्धक्यर जिति प्रकार आम कर्म कर चालीचु समस्त कर्म को आम को न्यस्त करने पड़ भगवान कर पाद पद्म भगवान कर पाद तल रे न्यस्त करदेवाई पड़ जड़े महापुरुष कही हाते कर काम मुखे धर नाम हाथ समस्त काम कर मुहरे भगवान कर नाम कर हरि नाम कर मनरे मन मना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु। भगवान अर्जुन को कही मनटा भितर टिके मते स्थान दियो सबु कर्म रे तमे टिके मते चिंता कर सेति पाई कहउचंती चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अष्टादश अध्याय सतावन श्लोक रे पुनः भगवान एक कथा कहिचंती चेतसा मन भितरे तुमे मते समर्पण कर दियो बस एतिकी हेले सब किछि ठीक हे गला। भगवान तंकर शेष उपदेश रे कहिचंती सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः। मुं अवश्य तुमको मुक्ति करिबि तमे सर्वधर्मान् परित्यज्य समस्त प्रकार लौकिक धर्म को तुम्हें परित्याग कर जो कर्म को कामना वशत करुच वासना वशत करुच आकांक्षा रे करुच लोभ काम क्रोध रे वशवर्ती होई जो कर्म करुच सेही कर्म को तुम्हें छाड़ दियो। एवं ये श्लोक शेष कहते अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते अनन्य योगरे मोर ध्यान कर अनन्य न अन्य अनन्य केवल मते जो कथा को अत्यंत गुरुत्व दे श्रीमद् भगवत गीतांकर नवम अध्याय
22 श्लोक रे भगवान कहिसेंति अनन्यास्ति चिन्तयन्तु मा जे जना परि उपासते अनन्या चिन्तयन्तु मा भाईसुल करे नव मध्यारे भगवान कहिसेंति अनन्य भावरे तुमे मते चिंता करो एठी भी कहिसेंति अनन्य नैव जोगेन मां ध्यायन्त उपासते तुमे अनन्य जोगरे अनन्य माने केवल मते ही ध्यान करो आउ कहारी की ध्यान करो नाही न अन्य अनन्य केवल मते भागवत रे कहिसेंति जगन्नाथ दास तू जेबे एक भावे भावू ये घर संसार करीबू तू जे बे एक भावे भावू ये घर संसार करीबू तू जदि एक भाव रे मते भाबिबू तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव हे भगवान तुम्हें मोर सबु किछि तम व्यतीत मु आउ किछि जाने नाही तम व्यतीत मु आउ किछि जाने नाही मोर केवल गिरिधर गोपाल मोर केवल दूरी धर गोपा को कह जाए अनन्य भक्ति जो माने अनन्यता जो मान हृदय नहीं जो मान भक्ति हूँ व्यभिचारिणी भक्ति आज शिव मंदिर जाई पहुंचले काली जाई कि तारिणी मंदिर पर दिन को शनि मंदिर रे ता पर दिन को जाई पहुंचले नि कौ जागुलाई पाखे रे ता पर दिन को पहुंचले नि शिरडी साई आ ता पर दिन को पहुंचले नि सत्य साई को पाखे रे ता पर दिन को पहुंचले नि आ कौ तांत्रिक पाखे रे ता पर दिन को आ कौ कि तंत्र मंत्र करूछंती सेठी पहुंचले नि एई जो मन चंचल मम मान सचंचल रात्र दिने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरु कृपा न हेले गुरु ज्ञान न पाइले प्रकृत रे अनन्य भक्ति संपन्न महाभागवत गुरु आश्रय ग्रहण न कले भक्ति रे केबे मन स्थिर ही पारिबनी मनर स्थिरता आसिबनी स्थित प्रज्ञता आसिबनी एकमात्र भगवान कृष्ण ही मोर एकमात्र देव एकमात्र इष्ट एकमात्र प्रभु एकमात्र भगवान ही मोर आ मु भगवान करै जो ई भाव हूँ अनन्यता तेणु आपण कर्म रे समर्पण भाव रखिबे अनन्य भाव रखिबे एवं कर्मर फल को भगवान को छाड़ी देबे कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म करिबारे तुमर अधिकार रहु अर्जुन हे मनीष माने भगवान कहउचंती अर्जुन को केंद्र करी हे मनीष माने तुमर कर्म करिबारे अधिकार रहु किंतु कर्मर फल को तुम भगवान को ऊपर छाड़ी दियो निष्ठार सहित कर्म करो श्रद्धार सहित कर्म करो
କର୍ମରେ କେବେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। କର୍ମକୁ ଜୀବନର ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କର୍ମକୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସେହି କର୍ମକୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଏକ ତପସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବବାସ। ଏତିକି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିକି ବି କିଛି କର୍ମ କରିବାର ଫଳ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁ କରିକି ବି କର୍ମର ଶୁଭାଶୁଭ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁନି। ତମେ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସାଧନରେ ସିଦ୍ଧି କରିଯିବ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଳୋକରେ ଯେହେତୁ ସର୍ବାଣି କର୍ମାଣି ମୟି ସଂନ୍ୟସ୍ୟ ମତ୍ପରା ଅନନ୍ୟେ ନୈବ ଯୋଗେନ ମାଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତ ଉପାସତେ। ପୁନଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମୋର ମାନନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରେ। ଏ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସପ୍ତମ ଶ୍ଳୋକରେ।